dear students you remember that we have gone through comprehensively through sales tax and how it affects our accounting also how it directly affects quickbooks and why is it necessary to capture all aspects of sales tax the agency and the rates so that they could be correctly depicted within quickbooks and as and when required correct reporting कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। आप जानते हैं कि सेल टैक्स हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसीज़ कलेक्ट करने की मजाज हैं इसी तरह बाहर के ममालिक में भी सेल टैक्स बहुत सारी सतह पर कलेक्ट किया जाता है और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि सेल टैक्स का रेट क्या है ये रेट किस एजेंसी से लिंक्ट है और डिडक्शन कब और किस वक्त इन एजेंसीज़ को रिमिट या भेजनी है इरसाल करनी है। इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगी आप अपने सिस्टम में सेल टैक्स सही तरीके से सेट से नहीं कर पाएंगे आइए देखते हैं कि हम ये सेल टैक्स का सेटअप अपने पास क्विक बुक्स में किस तरीके से करें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेल्स टैक्स प्रेफरेंस में मौजूद है होम पेज पे आने के बाद आपने एडिट में जाना है और एडिट में हमारे पास मौजूद है प्रेफरेंसेस जब आप प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस मौजूद है लेकिन व्हाट वी हैव टू चूज इज सेल्स टैक्स प्रेफरेंस क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सेटअप इन दिस लेक्चर सेल टैक्स के बाद हमने कंपनी प्रेफरेंसेस प्रेफर करनी है तो सबसे पहला सवाल जो हमसे किया जाता है डू यू चार्ज सेल टैक्स अगर हमने इसे नो no कर दिया फिर तो हमारी सारी चीज़ें ब्लैंक आउट हो जाएगी फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं कुछ और काम करने की क्योंकि हम सेल टैक्स कहीं से भी नहीं काट रहे और क्या सेल टैक्स हम कहीं से कलेक्ट भी नहीं कर रहे सो यस वी आर कलेक्टिंग सेल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अ सर्टन एजेंसी अब यहाँ जो हम सेल टैक्स सेट करने जा रहे हैं वो कहलाता है द मोस्ट कॉमन सेल टैक्स आइटम मोस्ट कॉमन सेल टैक्स आइटम का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये डिफॉल्ट आइटम है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो चुका होगा और इसको हमने एक दफा सेट करना है वी कैन चेंज द नेम वी कैन एडिट द नेम इफ यू वॉन्ट टू बट वील डू इट लेटर ऑन ये कैसे चेंज होगा ये हम आगे जाके देखते हैं लेकिन आमतौर पर बाई डिफॉल्ट नेम ऑफ दिस सेल टैक्स विच इज कॉमन द डिफॉल्ट सेल टैक्स इज आउट ऑफ स्टेट सेल टैक्स कोई भी आइटम या टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा ये कौन डिफाइन करेगा यह आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको लिस्ट दे देगी कि ये सर्विसेज टैक्सेबल हैं ये सर्विसेज नॉन टैक्सेबल हैं ये आइटम्स टैक्सेबल हैं और ये आइटम्स नॉन टैक्सेबल हैं जो टैक्सेबल आइटम है उसके ऊपर बाई क्विक बुक्स जो टैग लगाता है वो कहता है टैक्स और जो आइटम्स नॉन टैक्सेबल हैं उनके लिए हमेशा नॉन इस्तेमाल करता है अगर हम इन्हें बदलना चाहें तो हम बदल भी सकते हैं लेकिन याद रहे कि ये दोनों नाम टैक्स और नॉन टैक्स तीन कैरेक्टर्स के हैं तो हमारे पास सिर्फ तीन कैरेक्टर्स हैं जिससे हम इन्हें बदल सकते हैं टैक्स को आप अपने किसी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी के एब्रीविएशन से भी लिंक कर सकते हैं आप एफबीआर लिख सकते हैं आप और लिख सकते हैं लेकिन यू कैन ओनली यूज़ थ्री कैरेक्टर्स इफ़ यू वॉन्ट टू बट फॉर द मोमेंट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम इसको टैक्स और नॉन कहेंगे हमारे पास सिर्फ गुंजाइश है तीन कैरेक्टर्स की और अभी हम फिलहाल इसे चेंज नहीं करेंगे और जिन आइटम्स के साथ टैक्स लगेगा उसके साथ टैक्स का टैग आएगा और जिन आइटम्स के साथ टैक्स हमने अदा नहीं करना उसके साथ नॉन का आएगा उसके बाद जो चीज़ आ रही है जो हमसे पूछी जाती है वेन डू यू ओ सेल टैक्स कब आपने सेल टैक्स अदा करना है कब कटौती करनी है इसकी ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस किस्म की अकाउंटिंग कर रही है अगर वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कर रही है तो याद रहे कि हमने एज ऑफ इन्वायस डेट जिस दिन इन्वाइस बनेगी उसी दिन हमने ये टैक्स की अमाउंट पेएबल में डाल देनी है लेकिन अगर आप उसको रसीद के ऊपर करना चाहते हैं या कैश बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है ये आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हेड आपको बताएंगे कि सेटअप करने के लिए हमने कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसके लिए इस्तेमाल करनी है दूसरी चीज़ वो जो पूछ रहा है हमसे वो कहता है वेन डू यू पे सेल टैक्स सेल टैक्स हमने कब जमा कराना है ट्रेजरी में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वो एजेंसी देगी जिसके बिहाफ पे आप ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं अभी हम जो मोस्ट कॉमनली यूज सेल टैक्स इस्तेमाल करेंगे फॉर द मोमेंट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोविंशियल टैक्स सारी चीज़ों के ऊपर ये लागू होगा और हम इसको मंथली रिमिट किया करेंगे अपनी मेन एजेंसी को ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद नाउ वी आर श्योर कि हमने एक सेल टैक्स जो डिफॉल्टी टैक्स है वो क्रिएट कर दिया है और हम इसे कहेंगे ओके okay. अगर हम इसको देखना चाहें इसे रीडिफाइन करना चाहें इसका नाम बदलना चाहें तो हमें जाना पड़ेगा जैसे कि आपको पता ही होगा लिस्ट के अंदर क्योंकि तमाम आइटम जो हम क्रिएट करते हैं वो एक लिस्ट में आ जाते हैं हम आइटम लिस्ट में जाते हैं और हमारे पास आइटम लिस्ट में तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और हमारे पास वो सेल टैक्स जो हमने क्रिएट किया था आउट ऑफ स्टेट सेल टैक्स इसको हम फिलहाल चाहेंगे कि इसका नाम हम वो वाला दें जिसे हमें फ़ौर समझ में आ जाए कि ये टैक्स हम किस एजेंसी के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं दो तरीक़े हैं या आप राइट क्लिक करें या आप इसे डबल क्लिक करें दोनों तरीक़ों से ये आपका जो आइटम है वो खुल जाएगा तो हम इसको एडिट करते हैं इसके अंदर हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमने पहले डिफ़ाइन की हुई थी अब हम इसका नाम रख रहे हैं अपने हिसाब से क्योंकि ये एक प्रोविंशियल या सूबाई टैक्स है प्रोविंशियल एस टी सेल टैक्स इसका अगर कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू है वो भी हम इसी वक्त इसको असाइन कर देंगे सो फॉर कन्वीनियंस वी आर असाइनिंग इट फाइव परसेंट ये कौन सी एजेंसी कलेक्ट कर रही है अब हो सकता है कि वो एजेंसी हमारे पास डिफाइन ना हो या हमें उसे डिफाइन करना पड़े एक चीज़ याद रखें कि जैसे ही हमने वो एजेंसी खोली है अब आप नीचे देख रहे होंगे कि हमारे पास तमाम वेंडर्स लिस्टेड हो गए ये क्यों हुआ रीज़न कि हमारा क्विक बुक्स हमारे तमाम जो भी एंटिटीज़ हैं जिनको हमने पे करना है उनको एज अ वेंडर ट्रीट करती है वेदर दे आर आर सप्लायर्स ऑफ गुड्स सर्विसेज और यूटिलिटी सप्लायर्स और एजेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ विच वी आर कलेक्टिंग टैक्स

यहाँ हम जाएँ और एक न्यू एजेंसी जिसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्रिएट करने अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी वही स्क्रीन है जिसमें हमने एक वेंडर क्रिएट किया था सो इन अफेक्ट इन द लिस्ट ऑफ वेंडर्स वी नॉट ओनली हैव आर सप्लायर्स बट ऑल्सो ऑल एजेंसीज़ टू विच वी आर लाइबल टू पे समथिंग भले वो बिजली फरहम करने वाले हों भले वो टेलीफोन वाले हों जिनसे हम पैसे क्लेम करते हैं वो हमेशा अंडर द हेडिंग कस्टमर आएंगे इसलिए जब हम ये नई एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो अंडर द हेड वेंडर सेव हो रही है हम नई एजेंसी की भी क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस हम दे दें और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखी हुई है ये हम सारी इन्फॉर्मेशन उसकी डाल सकते हैं बट इन दिस केस द एजेंसी वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन इज़ आर प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी और वो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सो नाओ वी हैव चूजन एन एजेंसीज टू कनेक्ट विथ आर मोस्ट कॉमन सेल टैक्स ओके करें अब हमने डिफाइन कर दिया है कि हमारा सेल टैक्स जो मोस्ट कामन होगा वो कराएगा प्रोवेंशल सेल टैक्स और जो एजेंसीज ये कलेक्ट करेगी हमसे वो होगी पी आर ए या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अब आइए देखते हैं कि इसका अफेक्ट हमारे पास डायरेक्टली कैसे आता है जैसे कि आपको पता है कि सेल टैक्स हमेशा सेल्स के ऊपर आता जाहिर तो हम एक इनवॉइस बनाएंगे लेट्स क्रिएट एन इनवॉइस एंड सी हाउ इफेक्टिव आर टैक्सेस इस इनवाइस में सबसे पहले हमने एक कस्टमर चूज करना जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं जैसे ही हमने कस्टमर चूज किया हमारे पास सबसे पहला सवाल आया कि किस आइटम को हम सर्विस या इन्वेंट्री पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं लेट सेलेक्ट डोर हैंडल्स डोर हैंडल्स एज यू कैन सी आर टैक्सेबल आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके आगे वो टैग लगा हुआ है टैक्स का और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन थे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है और हम इसका नाम बदल सकते हैं टैक्स पर्सन नियम कुछ और रख लें लेकिन वन सेकेंड लिमिटेड टू थ्री कैरेक्टर्स इन दिस केस आर मेन आइटम इज़ टैक्सीबल एंड दैट इज़ अ डोर हैंडल और हम क्वान्टिटी करते हैं वन जैसे ही हमने इसमें अपनी क्वान्टिटी डाली तो आप देखते हैं कि प्रोवेंशल सेल टैक्स जो हमने डिफाइन किया हुआ था फाइव परसेंट पे वो ऑटोमेटिकली हमें नज़र आने लगा और उसने पंद्रह सौ रुपये का सेवेंटी फाइव कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखा दिया है सो इनफेक्ट ऑल दो योर प्रोडक्ट कॉस्ट सेल प्राइस इज फिफ्टीन हंड्रेड

सेल टैक्स कलेक्शन का और ये वो बाई डिफॉल्ट सेल टैक्स है जो हमने डिफाइन किया था इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं जो अब हमने सेल टैक्स डिफाइन किया है जिसे हमने डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स रखा है वो हमेशा हमें अपनी इन्वाइस की विंडो में नज़र आता रहेगा वी कैन चेंज इट इफ़ वी वॉन्ट टू और बज दफ़ा ये होगा कि हमारा आइटम नॉन टैक्सेबल होगा तो वो चार्ज नहीं होगा उसकी भी मिसाल देख लेते हैं कि हम एक यूज़र चूज़ करें और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी आइटम हैं हमारे वो सारे नॉन हैं नॉन का मतलब है कि ये टैक्सेबल नहीं है हम क्वांटिटी डालते जाते हैं लेकिन क्योंकि आइटम नॉन टैक्सेबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए किसी किस्म का सेल टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं हो रहा वाई बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर नॉन टैक्सेबल अगर ये टैक्सेबल होती तो ऑटोमेटिकली सेल टैक्स कैलकुलेट हो जाता क्योंकि ये आइटम नॉन टैक्सेबल है नो सेल टैक्स इज बींग कैलकुलेटेड यह इसका बिल्ट इन फीचर है तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आ गई हैं कि हम सेल टैक्स किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं और वो आइटम के साथ कैसे लिंक्ड होता है जो भी टैक्सेबल आइटम होगा उसके साथ ऑटोमेटिक सेल टैक्स लिंक होगा और जो नॉन टैक्सेबल आइटम होगा उसके साथ सेल टैक्स ना सिर्फ लिंक नहीं होगा कैलकुलेट भी नहीं करेगा इन कंक्लूजन ना यू कैन वेल इमेजिन कि हमारा सिस्टम डिफाइन कर देता है कि हम जब भी कोई आइटम टैक्सेबल डिफाइन करें या नॉन टैक्सेबल डिफाइन करें सिस्टम ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दैट टैग सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर देगा और अगर एक ही इनवॉइस में एक टैक्सेबल आइटम हो और एक नॉन टैक्सेबल आइटम हो तो रेस्ट अशोर्ड आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं आपका सिस्टम सिर्फ टैक्सेबल आइटम का टैक्स कैलकुलेट करेगा और नॉन टैक्सेबल का टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा और यही वो फैसिलिटी है जो क्विक बुक्स अपने यूज़र्स को देता है और आप खुद सोच लें अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें टैक्सेबल भी हैं और नॉन टैक्सेबल भी हैं और आप ये मैनुअली बैठ के कैलकुलेट कर रहे होते तो आपको कितना मुश्किल लगता है लेकिन क्विक बुक्स जो कि एक सिस्टम है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हमारी बहुत सारी इस तरह की कैलकुलेशन है हमें बहुत आसानी से करके दे देता है और सारा रिकॉर्ड सही जगह So, in conclusion, this is how we set our most common default sale tax and use it on all invoices which we are going to generate during our course of work.